वो कही दा रहे काय कहत के सुन रहा एमएल को ख्याल गलत हो जे नहीं होए नौकरी नहीं दे बेटा जान दे बोगा नौकरी नहीं दे बेटा जान दे बोगा हमन प्राण दे बोरे साना ना ना मोर नौकरी नहीं दे बेटा प्राण दे बो हमन जान दे बोगा अल बेला मोर नौकरी नहीं दे बेटा प्राण दे बो नौकरी तय दे बे धन सूते रही बेगा नौकरी तय दे बे धन सूते रही बेगा नौकरी तय दे बे धन सूते रही बेगा तह सूते रही बे रे जुमला वाला ते नौकरी नहीं दे बे धन सूते रही बे तह सूते रही बे रे जुमला वाला ते भैया जोशी आगे बोले एक साथ ही भीड़ बाढ़ा थे डरो लागा थे मोला नहीं बैठे थे मन लगा लागा थे इनकलाब इनकलाब भारत माता की आप सभी जानते हैं हम अपने से नहीं सरकार से परेशान इसमें से एक भी व्यक्ति पांचवी के नीचे नहीं वेल एजुकेटेड अगर जिम्मेदारी भागे तो मैं जो लेकर जाकर जगह में आया तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये सोच रखी है कि हम वोट के लिए तुम्हारे घर घर जाते हैं तो तुम भी पोस्ट के लिए मेरे दरवाजे तक आ ऐसा मुझे सरकार की मंशा लगती है और ये जो सरकार है ये सिर्फ बीजेपी वाली बात नहीं है 2008 से हम लोग आंदोलन में जुड़े हुए हैं रमन सरकार भी वही है साय साय भी वही है और भूपेश बघेल भी वही है लेकिन ये लोग ना पीएससी कोचिंग आईएएस नहीं किए हैं लोग इसलिए इन लोगों को जानकारी नहीं है और एक जने जानकारी है तो दोगला बन के घूम रहा है उनको शायद पता नहीं है कि रीज्वाइनिंग नहीं होती आईएएस में अब उनको इन्हीं कुटुंब के बीच में रहना है यही दरवाजा आपके लिए खुला है अब आईएएस की दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका है और इसी युवाओं को सहारा लेके आप सत्ता में आए और इसी युवाओं ने आपको सत्ता का सुख दिया और आज हम लोग को रोड में बैठा दिया किस कदर हमारे युवाओं को तोड़े हो अंदर से लेकर शायद ये लोग अब्राहम लिंकन के इतिहास नहीं पढ़े शायद नेपोलियन के इतिहास नहीं पढ़े एक मजदूर का बच्चे हैं ये लोग जो अपने देश के चांसलर बने क्या पता इन्हीं में से कोई सीएम बन के निकल जाए उस दिन ये मत बोलना जब आपको हम जेल में डाल देंगे पिछले आंदोलन में हमारे भिलाई के मित्र को डंडे डंडे मारे थाने तक पहुंचा दिया यहां तक रिवॉल्वर निकालने कगार में आ गया था भाई इस कदर हम लोग यहाँ रिवॉल्वर निकाले हैं हम लोग नक्सली बैठक नहीं है हम लोग हथियार नहीं उठा सकते